हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल। तो हम जिंदगी गुजारे का एपिसोड 18 का पार्ट 1 करने आ गए हैं। ये देखते हैं। जरूर मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो। मंगनी हुई है, मंगनी टूट भी सकती है। अच्छा, मेरी बात का गलत मतलब मत लो। आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड। अब तुम खुद सोचो, उनका अपना घर भी नहीं है और जिस घर में वो रहते हैं किराए के मकान में, वहां तुम जा सकोगी? उस माहौल में तुम एडजस्ट कर सकोगी? आप फिक्र ना करें, आप देखिएगा, आप भी उसे बहुत खुश होंगे। ही इज रियली अ नाइस गाय, ट्रस्ट मी। अम्मी ने कहा था उन्हें मेरा तुम्हें तुम कहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरी है तुम्हारा तुम ही कहना ठीक है। आप डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है यार। मुझे भी आप नहीं कहना। बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। कौन? मैं? तो आज इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा? अच्छा क्या? पता नहीं। तो पता होना चाहिए। मुझे लगता है हमें एक दूसरे से बेहतर रहेगा। कौन सा झूठ? ये झूठी तारीफें वगैरह। झूठी तारीफ है? मैंने तो कोई झूठी तारीफ नहीं की। जो दिन में आया वही क्या थी? आप लोग ठीक से पहुंच गए थे घर? ज्यादा जल्दी याद नहीं आ गया तुम्हें? सिद्रा ने पूछा था। सिद्रा ने पूछा था? अच्छा, तुमने आज चांद देखा? कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे नजर नहीं आ रहा। कोशिश करो और से देखो, शायद तुम्हें नजर ही आ जाए। यहां तो पूरा निकला था। चलो अब ये नया काम डाल दिया मुझ पे। अब मैं सारी रात चांद ढूंढा करूंगी। बस कितना फालतू है, ऑफिस वाले इसको कोई काम भी नहीं देते। नजर आया? हाँ, मिला। चलो खूबसूरत गोल है। गोल है, गोल है। चौथी का चांद है, चुप थोड़ी होना है उसमें। चौथी के चांद से नजर हटाना बड़ा मुश्किल होता है। कितना खूबसूरत होता है। मुझे इस तरह की सारी चीजें अच्छी लगती है। चांद, तारे, रात, ये लड़कियों से इस तरह की बातें करता होगा। चांद से चांद सितारों की खूबसूरती के किस्से सुनाते थे, उसकी खूबसूरती की तारीफें करने लगता होगा। नादिया ने क्या बताया था उसके बारे में एक दफा? हेलो। हाँ, क्या हूँ, कुछ कहोगे चांद के बारे में? चलो चांद के बारे में कह दो। रोज निकलता है? हाँ, रोज निकलता है। लेकिन हाँ, रोज इतना खूबसूरत नहीं होता। एक बात बताओ, तुम्हें इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है? किन चीजों? नहीं, ज्यादा तो नहीं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगेन। क्लास फेलो, पसंद की शादी है। वाह, जाहिर जब लड़कियों को इतनी आजादी मिलेगी कि वो लड़के की पसंद थी। कशफ तो मान ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मानी है, मुझे राफिया ने बताया। जाहिर राफिया ने तो पर्दे डालने अपनी बेटियों की हरकतों पर, जैसे उसकी आदत है। मेरी बेटियां बड़ी सादतमंद है। पसंद नहीं थी तो फिर रिश्ता कैसे हुआ? अच्छा चलो, अगर कशफ की भी पसंद थी तो उसमें बुराई क्या है? अच्छे लोग हैं, कशफ से मोहब्बत करते हैं, खानदानी लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, बहुत अमीर है। माशाल्लाह मेरी सारी बेटियों की शादियां बहुत अच्छे खानदानों में हुई हैं। सारी बेटियां? मुर्तजा साहब, सिर्फ 3 बेटियों की शादी हुई है और आपकी 5 बेटियां हैं। उनकी जिम्मेदारी भी है। इंशाल्लाह मिल जाएंगे, उनके लिए भी अच्छे घर मिलेंगे। ढूंढेंगे तो मिलेंगे ना, मैं आपको साफ बता रही हूँ। मुझे भी उतने ही बड़े घरों में शादियां करानी है अपनी बेटियों की जितनी राफिया की बेटियों की हुई है। ऐसे थोड़ी होता है। राफिया की
दामादों से कम नहीं होगी हरगिज। दुआ करो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। खुद खुश न करना। फाइव परसेंट की शादी चाहे तो ला दो मुझे। मुझे नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फैमिली को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ बट नेवर हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग द गर्ल। लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही तुम्हारी यहाँ शादी हुई। थैंक यू आंटी। लेकिन आंटी ये जरूर नजर नहीं आ रहा मुझे। मैंने कह दिया है आता हूँ। आंटी वैसे इसके कराची के चक्कर कुछ ज्यादा बढ़ नहीं गए? आई मीन या तो इसका जॉब पे दिल्ली। तुम्हें जरूर ने बताया नहीं क्या? तुम्हारे दोस्त की हमने मरनी कर दी है। Are you serious? क्या हाल है भाई? दोदाई वगैरह? हाँ मैं तो बगैर बताए आया हूँ। तुमने तो कोई बड़े बड़े काम कर दिए बगैर बताए मुझे। दादू आई हैव टू गो समवेयर। ओके बाय। बैठो। हाँ बैठ तो मैं जाऊंगा, पहले तो मेरे सवाल का जवाब तो दो। क्या तुमने इंगेजमेंट करवा लिया कहीं पर? करवा ली है और जहां करवाई है तुम्हें पता लग जाए ना तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। क्यों अब तुम कहोगे कश्यप मिर्जा के साथ करवा ली? जब तुम्हें पता है तो तुम पूछ क्यों रहे हो? अच्छा वाकई में तुम्हारी कश्यप मिर्जा के साथ करवाई है? हाँ हाँ कश्यप ने बताया होगा तुम्हें। तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? हाँ मैं तुम्हारे से मजाक क्यों करूंगा यार, वाकई में मेरी उससे एंगेजमेंट हो गई है। लेकिन तुमने पहले कभी मेरे साथ आई मीन यू नेवर शोड इंटरेस्ट, तो ये ऑल ऑफ अ सडन कहां से ख्याल आ गया तुम्हें? ओए कर ली मैं मांगे कड़ा बुरा लग रहा है इसके लिए। सलमा जल्दी से चाय लेके आओ। और बताओ क्या कर रहे? इट्स कमिंग ऑन फाइव। दिस इज अ शॉक। अब तुम अपने घर की होने वाली जिंदगी बदलने वाली है तुम्हारी। क्यों जिंदगी क्यों बदलने वाली है? क्यों तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी बेटा? बदल तो जाएगी, मैं सोच सोच के परेशान हो जाऊँ। अरे नहीं नहीं मैं तुम्हें परेशान थोड़ा ही करना चाह रही हूँ, मैं तो बस ये बताना चाह रही हूँ कि अब तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। हाँ लेकिन जिंदगी में मैंने जिम्मेदारी उठाने के अलावा अब किया क्या है? लेकिन उस जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारी में जमीन आसमान का फर्क है बेटा। शादी के बाद जिम्मेदारी वाकई बढ़ जाती है। तो आपको क्या लगता है मैं नहीं उठा पाऊँ? मुझे तो लगता है कि तुम बहुत अच्छी तरह से उठा पाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मैं बहुत खौफजदा हूँ, खासतौर पर इस बात पे कि मेरे और जारून के मिजाज में कुछ ज्यादा ही फर्क है। वो एक अलग किस्म का आदमी है, मेरे और उसके बीच में कोई कॉमन चीज नहीं है। और इतने में इकट्ठे जिंदगी कैसे गुजारेंगे ये सोच मुझे बहुत परेशान करती है। यहाँ बीवी का मिजाज अगर एक जैसा भी हो बेटा तब भी शादी के बाद बहुत अरसा लगता है एक दूसरे को समझने में। और वैसे भी शादी एक जैसे मिजाज से नहीं चलती बेटा। शादी तो चलती है समझदारी से और लचक पैदा कर। जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज की तवक्को माशरा सिर्फ औरत से करता है और हर मामले में सिर्फ ये चाहता कि औरत झुके। लेकिन बेटा जिद पर अड़े ना रहना, लचक पैदा करना समझदारी है, बेवकूफ़ी तो नहीं। लेकिन मैं आपकी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, आपकी तरह झुक नहीं सकती। अल्लाह अदा करे बेटा कि तुम्हें मेरी तरह कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं थे बेटा। मेरे ऑप्शंस तो महदूद थे। शायद आपने महदूद कर लिए थे। मेरी जिंदगी के ऑप्शंस बेटा कुछ और थे। मेरे पास ऑप्शंस को महदूद करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शंस है बेटा, गुजारने का ऑप्शन।
एक बेहतरीन शादीशुदा जिंदगी गुजारने का ऑप्शन, एक बेहतरीन घर बनाने का ऑप्शन, खुश रहने का ऑप्शन, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बेटा। बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारना, मुझे मालूम है कि सारे कॉम्प्रोमाइजेस शायद तुम्हें ही करने हों, औजारों ना करें, लेकिन फिर भी बेटा कोशिश जरूर कर। उसकी अहमियत को वो मुझसे ज्यादा नहीं जान सकता। मैंने सारी जिंदगी अपने आप को और आपको अच्छी जिंदगी के लिए तरसते हुए देखा है, और अब मैं अपनी बाकी जिंदगी इस तरह नहीं जीना चाहती। जारून एक अच्छे खानदान का अच्छा लड़का है बेटा, मुझे यकीन है कि उसमें बेशुमार खूबियां होंगी और चंद खामियां भी होंगी, लेकिन एक अच्छी बीवी होने के नाते बेटा हमेशा उसकी एक्चुअली और चाहे कुछ हो जाए बेटा इस रिश्ते को निभाना है। तो सगाई हुई शादी नहीं हुई अब तक, आई होप तब तक कुछ प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता। देखो अभी इन लोग को ना बस ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक टाइम स्पेंड नहीं करेगा तब तक वो वैल्यू नहीं पता चलेगी। अरे लेकिन उसका कैसे है, इसको कुछ और बात कर। थोड़ा मिजाज चेंज करेगा ना, अभी वही सी चीज है। टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा उसको चेंजेस होने में, क्योंकि उसे कभी ये सब बोलते हैं ना लव वाला साइड उसने कभी देखा ही नहीं है, ना उसके डैड से ना कोई एक कोई और मर्द से किसी से, बट अभी वो चेंजेस तो होगा, देखेंगे। और उसको भी शौक लगा और सामान को भी अच्छा उसे बोला नहीं, मेरे को लगा वो बोल देगा कि मैंने भी प्रपोज किया था, मुझे तो इनकार कर दिया, तुझे कैसे आप बोला। तुझे लाइक सिर्फ चिढ़ती थी इतना। हाँ ना, एब्सोल्युटली। चलो देखना होगा आगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट बेल आइकन।